इतनी बड़ी नेम प्लेट लगी हुई है घर के गेट पे, अज़द फारूकी, उसी का घर है। से तुम वापस कब जा रहे हो? कभी नहीं, रिजाइन कर आए। सरप्राइज का बहाना करके अज़द ने आपको कोने करके खुद ही प्रॉपर्टी खरीदी और सारा घर भी डेकोरेट कर लिया। मशवरा करना आपसे तो धूर आपको कानो कान खबर तक नहीं की। तुमसे मैंने एक काम कहा था कि नूर का ख्याल रखो, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं थी कि मेरी और रेहान की पार्टी अच्छी जाए। देख लो, हो गई ना खराब। एक काम करें, आज आप बाबा और मामा के बीच में क्यों नहीं सो जाती? सच में सब कुछ कब किया? बाबा मुझे दर्द हो रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब है, ये जागी हुई अब तक, ये सो नहीं गई थी? दर्द हो रहा था उसको हाथ पे, नींद नहीं आ रही थी इसको। मैंने कहा कि इसे अपने पास सुला। क्या प्लीज लाइट ऑफ कर दूं? ये सो जाए जरा। एक मिनट, नूर, नूर बेटा, पार्टी में ना संभल कर रहे। तुमने जो मेरा मूड स्पॉइल किया है मेरा, इसका बदला तो तुम्हें सोच समेत चुकाना पड़ेगा। कोई काम ढंग से होता है तुमसे? भाई मैंने सारे बॉक्सेस खुद काउंट करके रखे थे, उसमें ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं था अम्मी, कोई भी एक ऐसा बॉक्स नहीं था उसमें। नहीं मारिया, तुम भूल रही हो, उसमें वो बॉक्स भी था जो रेहान ने मुझे इयररिंग्स गिफ्ट किया एनिवर्सरी पे, वो अब नहीं है मेरी जान। रीबक कसम से मैंने ये सारे बॉक्सेस वन बाय वन खुद चेक करके रखवाए थे, उनमें कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं था। मैं कैसे अब सब लोगों को यकीन दिलाऊं कि उसमें बाकी कोई बॉक्स नहीं था? मारिया मैंने स्पेशली एनिवर्सरी का गिफ्ट बनवाया था रीबा के लिए, खुद से तो चलकर जाने से रहे वो। बेटा
मैं तो मुसलसल वहां खड़ी रही हूँ जहाँ पर गिफ्ट पड़े थे, तब तक जब तक कि मारिया ने गिफ्ट्स नहीं उठा लिए गिन के। मैं क्या कहूँ, किस तरीके से आप सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाऊं कि वहां पे कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं था। अगर होता तो मुझे नजर आता ना। नहीं, आप बताएं ना भाई को। यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। एक तो गलती करती है, फिर रोती है, दूसरे को गिल्टी फील कराती है और मानती भी नहीं है। बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि वहां से किसी वेटर ने उठा लिया हो, या फिर टेबल से नीचे गिर गया हो। मारिया कह रही है ना कि उसने खुद उठाए थे गिफ्ट, उसमें नहीं था। आपको ना कभी इसकी गलती नजर नहीं आएगी। हम ही पागल हैं यहाँ पर। रेहान क्या हो गया? खाना अमीर से किस तरह बात कर रहे हैं आप? छोड़ देना, जाने वाली चीज थी, चली गई, जाने दें आप। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारा गिफ्ट था वो अरीबा, एक बार भी नहीं पहने तुमने। और आप सुबह सुबह वो खराब कर दिया भाई। So sorry, मारिया, मेरी गलती है। मैंने पता नहीं क्यों रेहान के सामने जिक्र कर लिया। हाँ, ये मेरी बात का यकीन करो, उसमें कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं था। कसम से कोई बॉक्स नहीं था, होता तो मुझे याद होता ना। मैंने ये सारे बॉक्सेस वन बाय वन खुद अम्मी के सामने रखवाए थे और उसमें कोई भी एक ऐसा बॉक्स नहीं था। आई ट्रस्ट यू मारिया, तुम्हें पता है ना अपने भाई के गुस्से का। छोड़ो, जाने दो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। कैसे दिल छोटा ना करूं मैं अपना बिया? तुमने देखा है ना कि भाई ने किस तरह एक छोटे से गिफ्ट में मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। वो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक कह रही हो। जब बदला उतारने का वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही बेगाने हो जाते हैं। और ये बात मुझसे ज्यादा और कौन अच्छी तरह समझ सकता है। वैसे पता है तो बड़ा एसी है, तो बड़ा घर भी ठंडा हो रहा है। अस्जद मियां, अरे भाई किनको उठा लाए? ये सब घर के लिए हायर की। मतलब तो ये सारी पलटू हमारे ही सर पे डालोगे तुम? नहीं अम्मी जान, ठीक है आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ये सारे घर में घुस का रोको इन्हें अज़द। रिलैक्स रिलैक्स रहीम, इधर आओ। सर डिनर की तैयारी करो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जाओ। ओके अज़द, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे घर में बस एक वक्त ही मासी आती है सारे काम करने। वो सही है, हमारे सारे काम हो जाते हैं। हाँ, इससे पहले कभी इतने बड़े घर में भी तो नहीं रहे। अरे अरे मियां,
अरे कैसे बात कर रहे हो अपनी छोटी बहन से, यूं कोई बात करता है? अम्मी मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब प्रॉपर ट्रेन मुलाजिम है, तुम्हें और अम्मी को इन सब झंझटों से दूर रखने के लिए इन्हें हायर किया, अब काम लेना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा, जिम्मेदार तो मैं बहुत हूँ तुम्हें पता ही है, वो सब मैं कर लूंगी। अब ये जो तुम बोल रहे थे डिनर का, ऐसे परफेक्ट वो कोई मतलब खास कोई मेहमान वगैरह आने वाले? जी, एक खास मेहमान है, स्पेशल गेस्ट, रात खाने पे हमारे साथ होगा। मैं चाह रहा था तुम और अम्मी उससे मिल लो। अच्छा भाई, तुम्हारे गेस्ट एक ही बात है, तुम बेफिक्र होके रहो। लड़की वड़की तो नहीं है? बात सुनो घर में, ये जो मुलाजमों को उठा के ले आया तो कितने मॉडर्न है, पेंटे पहन रखी है, लड़कियां ने भी जीन्स पहनी हुई अम्मी सारी, उन्हें हम नौकरानियां लग रही हैं इनकी। मेरी बात सुन, किसी ना पार्लर पे चलते हैं, अपने ना टेंटिंग पेंटिंग करा के आते हैं, कोई अपना बोल चाल, कोई स्टाइल अपना बेगम साहबों वाला रखते हैं ना, उन सब हम इतने सारे काम कर, अपनी जुटी तो कटवाओ, बड़ी पीने लगती है, मैं बता रही हूँ। फ्लावर्स अरेंज कर रही हूँ। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर मैंने तो ऑर्डर किए नहीं है फ्लावर, हैं? तुमने कैसे मंगवा लिए? सुना नहीं था अज्जद ने क्या कहा था, इस घर में बेबी की मर्जी चलेगी। मैम ये फ्लावर सर ने ऑर्डर किए हैं और लगवाए भी उन्हीं ने हैं। अच्छा चलो अच्छी बात, कोई तो काम उन्होंने खुद किया, सब कुछ वरना मुझे देखना पड़ता है। अच्छे से लगाना, उन्होंने बता दिया था, ये भी मैं बताऊं किस तरह सजाना है। हर गुलदान में फूल ही फूल है, कौन आ रहा है ऐसा, बस लाइटें लगनी बाकी रह गई अब तो। हाँ बेबी, जैसे लोगों में असजगनिया रहते हैं तैयारी भी वैसे ही करें। अरे भाई ये सब तो अमीरों के चोसले हैं ना। वैसे ये भी सही है कि आज से पहले अज्जद ने अपने किसी दोस्त को घर दावत तो बुलाया भी नहीं है। शादी से पहले हमारी बुला लेते किसी दोस्त को, कम से कम इस इनकसार से हमारी किस्मत ना मिलती है। ये बेटा, ये सब तो किस्मत के खेल है। किस्मत से ही तो लड़ रहे हैं अम्मी। ये चूड़ियां जो हैं ये आपने इसके साथ दी थी या वैसे ही मैचिंग हो गई? बाय द वे सोने के लिए हमने, पता है पर ऐसे जच रहे हैं साथ में। हाँ अच्छा लग रहा है, मॉडर्न लग रहे हैं। Okay, I'll just be upset, okay? Thank you. Hey, Inkasar, ये मेहमान नहीं आए क्या? पता नहीं, आ गए होंगे। मैं तो वो केक पिक करने गया था, अज्जद ने ऑर्डर दिया था। आपका अंदाजा ठीक था, मैं बता रही। ये खाली दोस्त नहीं, कोई बॉस वॉस आए हैं इनके, इसीलिए ऐसी इम्पोर्टेंट स्टोरी है। ही जाए ना, इतना टाइम तो हो गया।
That's my mother. That's my sister. We call her baby. And that's Inkasan. You've already met. Ye Natasha hai. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये देखो क्या लाया। ये सब क्या है रेहान? क्या है? आइसक्रीम है और क्या है? लेकिन नूर मेडिसिन पे है। इस वक्त आइसक्रीम खाएगी तो और बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होता यार, थोड़ी सी आइसक्रीम से जाओ, ये जाके निकाल कर लेके आओ। इसे सूप तो पी लेने दे। छोड़ो सूप को यार, हम आइसक्रीम खाएंगे आज। जल्दी से जाओ आइसक्रीम लेकर आओ यार। अब जब तक मेरी नूरी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, बाबा उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगे। ये देखो। इस बाप बेटी की मोहब्बत का भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत शौक था मुझे असजद की फैमिली से मिलने का। He missed you a lot. बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इंसान अपनी फैमिली से दूर होता है तो उन्हें याद तो करता है ना। I can understand आंटी, मेरी मामा का भी यही हाल था, इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि वापस चलते। अरे तुमने असजद मियां के साथ मिलके क्यों फैसला करना जरूरी समझा? अपनी माँ के साथ रहती ना, हमारे बच्चे को ही देख लो, हमारी मोहब्बत प्यार में रिजाइन कर दिए। अम्मी का कहने का मतलब ये है कि वो कि असजद ना इनसे बहुत अटैच है, और इन्हीं से नहीं मेरे बच्चों से बहुत अटैच है, तो याद करता था सबको। वानी और फहीम। जी जी। कहाँ हैं दोनों? मैंने उनकी फोटो देखी थी असजद की टेबल पर, बुलाइए ना। आ जाएंगे अभी। वो जो हमारा बड़ा वाला टीवी है, वो बच्चे उस पे वीडियो गेम खेल रहे हैं। ओ गुडवाई साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बिल्कुल हो सकती बात। जी असजद की कम ही किसी से दोस्ती हुई है, बचपन से बस वही दो चार दोस्त हैं उनके। हाँ भाई, हम तो अपने बच्चे को ना ऐसे खामखा ऐरे घरों से ना दोस्ती नहीं करने देते हैं। क्या पता कौन किस खानदान का निकल है। हम तो माशाल्लाह से खुद बड़े खानदान से हैं। सही कह रही हैं आप आंटी, मेरी मम्मा भी मेरे फ्रेंड्स पे ऐसी चेक रखती थी, लेकिन बस मेरी आदत ऐसी है कि अब फ्रेंड्स ही फैमिली हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अच्छे हो तो लोग भी आपको अच्छे ही मिलते हैं। शादी तो हो गई होगी ना तुम्हारी? असजद वाज राइट। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे असजद ने कहा था कि आंटी ये सवाल जरूर करेंगी। तो ये सवाल तो हर लड़की से किया जाता है। ट्रू। नहीं आंटी अभी नहीं। अरे हम तो समझ रहे थे कि शादी हो चुकी हो। वैसे वक्त पर हो जानी चाहिए शादी। हाँ खास तौर से लड़कियों की। मैं हमारे खानदान में तो बेटियों की शादी टाइम पे हो जाती है। हाँ हमें ही देख लो। और बेटियों से जॉब नहीं करवाई जाती। आपको नया घर कैसा लगा? अच्छा लगा, जाहिर है बहुत अच्छा लगा। और डेकोर कैसा लगा? ऑफ कोर्स अच्छा। यू लाइक? जी मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि डू यू लाइक इट।
चाहिए ऑफ कोर्स, ये डेकोर सारा ये इनसाइड डेकोर हमने घर की सब मैंने किए, ये कारपेट, ये सारी पेंटिंग्स, ये लैम्प, एवरीथिंग। यू वांट टूर, घर दे घर का टूर करवाऊँ मैं आपको? बेबी हमारा कमरा भी दिखा। हाँ हाँ, हमने वो लैंप लगाए हैं। आई ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा टीवी है वहाँ पे। आओ ना आओ, मैं पूरा दिखाती हूँ, वो बड़ी वाली पेंटिंग दिखाती हूँ, टीवी में तुम्हें दिखाती हूँ, हमारा कमरा भी दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, आओ 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 आओ, आ जाओ। घर का जो मर्द कमाता है ना, तो उसकी माँ बहन बेटी सबका ही हक होता है ना उसकी कमाई पर। अम्मी, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता आंटी। हमारे यहाँ बाप बेटे भाई सबको कमाई का गधा नहीं समझते। आज तो नंबर ही नहीं आ रही। 1-1 यहाँ पे अब आप जब आओगी। अब कैसी है हमारी नूरी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। हाथ दिखाओ दादू को। अल्लाह का बड़ा करम हो गया रेहान, वरना इतनी सी बच्ची जले का दर्द कैसे बर्दाश्त करती। लेकिन हमारी नूर तो बहुत बहादुर है ना। बेटा, बेटियां माँ बाप को इतनी ही अजीज होती हैं, उनकी जरा सी तकलीफ पे माँ बाप तड़प उठते हैं। अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँ, कल जो तुमने मारिया को इतना डांटा, अगर ठंडे दिल से सोचोगे ना तो उसका इतना कसूर नहीं था जितना उसने बर्दाश्त कर लिया। नहीं, आपके इन्हीं बातों की वजह से ना दिमाग खराब हो गया उसका, कोई जिम्मेदारी सर पर नहीं लेती है, ना इसका ख्याल रख सकती है, ना वो गिफ्ट्स का ख्याल रख सकती है। क्या काम क्या करती है वो सारा दिन? अरीबा क्या क्या काम करे इस घर के? लेकिन रेहान, मारिया जितना कर सकती है उतना तो करती है। अगर वो कुछ कर रही होती ना तो ये सब कुछ ना होता। कि इन्हीं बेजा हिमायतों की वजह से आज वो खुद सर होती जा रही है, अपनी मनमानी और जिद्दी हो गई है वो, हर बात में अपनी मनमानी और जिद करने लगी है। तुम भी अब अपनी बीवी की जुबान बोलने लगे। मुझे लगता है भूल गई हैं, अरीबा ही है जिसकी वजह से ये घर मैं और नूर संभले हुए हैं। हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारी बीवी ने ही संभाला हुआ है, और तुम्हारी माँ और बहन जो करती हैं वो तो तुम्हें नजर ही नहीं आता। क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है अरीबा से? क्यों हर वक्त उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है? वो बेचारी हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचती रहती है, और आप ये सोच रही हैं कि अपने बेटे और बहू के बीच में तनाव कैसे पैदा करें। मैं ऐसा क्यों करूंगी रेहान? बस टिपिकल सासों वाली सोच, और क्या। चाय देख लिया ना तुमने, रेहान कितना बजन हो गया। मी, अरीबा ने उसके दिल में तुम्हारे और मेरे लिए जहर भर दिया। बिला वजह अरीबा से बदगुमान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती मारिया? मुझे तो डर है कि। अच्छा, आप अभी सोचना बंद करें और ये चाय पिएं। तुम भी रेहान की तरह मेरी बात पे यकीन मत करो बेशक, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अरीबा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करती। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आपकी बदगुमानी आपसे कहलवा रही है। आपने प्लीज इस बारे में सोचना छोड़ दें, प्लीज आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चाय पिए, मैं किचन में होके आती हूँ। क्या ना,
ये बड़ा वाला टीवी जिसकी मैं आपको बता रही थी बात, और ये पूरे लाउंज की थीम ना मैंने ऐसी रखी है जो हमारी सारी फैमिली एकदम टुगेदर साथ हो, क्योंकि बच्चों वाला घर है हमारा, तो बड़ा सोच समझ के ना उस तरह सेटिंग सारी बनानी पड़ती है। खैर तुम्हें तो ये सब नहीं पता होगा, बच्चे तो हैं नहीं तुम्हारे, तो अब देखो ना बच्चों को खाना खाते हुए टीवी देखना है, आप कहीं कमरे में बैठ के टीवी देखें, कहीं जूस गिरा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारा पूरा खाने का इंतज़ाम है, यहीं पे टीवी देख लिया, तो शाम को सारे ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं। तो फिर इधर आके दिखाती हूँ ना, इतनी पेंटिंग्स की ना एक पूरी कलेक्शन है हमारी, बड़ी दूर दूर से कलेक्ट की है मैंने। वाह ब्यूटीफुल, ये भी आप ही की चॉइस की होगी? माई फेवरेट, आई लव, यू लाइक? क्या वेरी मच। हाँ भाई क्या होता है? अब बस कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी मेहमान है नताशा, बोर हो रही होगी, तो चलो जब तुम नहीं हो तो मैं घर का टूर दूँ, दिखाऊँ कितना ब्यूटीफुल है। Really? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने जो तुम्हें लतीफा लग गया। लतीफा ही हो गया है, तुम जैसे घर दिखा रही हो, ये पूरा घर इसी ने डेकोरेट किया। इसकी डिजाइनिंग, कलर स्कीम, फर्नीचर, हत्ता के सारी पेंटिंग्स इसने सारी ढूंढी है, सारी परचेज की है इसने। थैंक यू वेरी मच नताशा। आए मम्मी के साथ बैठते। मुझे पता था कि दवाई साथ। तुम किसी से ये घर सजवा तो सकते हो, अगर उसके साथ बसा नहीं सकते। तो इनके साथ आ रहे ना, बाकी इनसे कहां? मैं कहां? Go easy on him, please. But why? Uncle कैसे? जैसे थे वैसे ही हैं। फिर वेकेशन प्लान कर रहे हैं। नताशा के वाले साहब हर वक्त ट्रैवलिंग करते रहते हैं। मेरी मामा कहती थी इब्ने बतूता के बाद दूसरे तुम्हारे डैड हैं जिनको पूरी दुनिया घूमने का इतना शौक है। अजीब बात है, बेटियों का बाप यहाँ वहाँ, जाता हुआ अच्छा लगता है, इतना पैसा उड़ाता है तुम्हारा बाप। समझो तो ये पैसा तुम बहनों का ही है ना, जो सारा तुम्हारे वालिद साहब ने उड़ा दिया। जब भी तो बेचारी बच्ची को नौकरी करनी पड़ रही है। देखो बेटा, हमारा मतलब है कि घर का जो मर्द कमाता है ना, तो उसकी माँ बहन बेटी सबका ही हक होता है ना उसकी कमाई पर। अम्मी, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता आंटी, हमारे यहाँ बाप बेटे भाई सबको कमाई का गधा नहीं समझते, उनसे प्यार करते हैं, उनको भी अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक। सर डिनर इज रेडी। ठीक है आप जाए, प्लीज कम। चलिए आंटी। तो और कहीं की मीना बिल्कुल ठीक कहती है, जॉब करने वाली है ना होती चला गया। मेरा घर मेरा भाई, आई बड़ी डेकोरेट करने वाली घर, मेरे से बात किस तरह कर रही थी? बेबी चलो सब डिनर पे वेट कर रहे हैं, तुम कर लो डिनर, मैं नहीं आ रही। अजीत की गेस्ट है वो, यार क्या सोचेगा, चलो। हाँ तो बैठे ना, तुम्हें क्या है, उसके मेहमान है वो देख लेगा, बहाना कर दो कोई, मैं नहीं आ रही। अरे क्या कह दूं, क्या बहाना बनाऊं, ये भी मैं बताऊं, इतना सा काम नहीं कर सकते? नहीं आ रही मैं, तुम जाओ यहां से।
डेकोरेट करेगी। शक्ल देखिए। आज आओ। आइसक्रीम खानी थी तो मम्मा को क्यों नहीं बताया, बाबा से क्यों बोला? मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी चीज चाहिए होती है तो मम्मा से कहते हैं। मम्मा, बाबा ने पूछा था तो मैंने बोल दिया। मेरी जान, बाबा आपको प्यार से बुलाते तो हैं, लेकिन उन्हें कभी गुस्सा भी आ सकता है, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपको पनिश भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपकी पिटाई करें। पिटाई? वो ऐसा क्यों करेंगे मम्मा? यही तो मैं आपको समझा रही हूँ मेरी जान। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी बेटी को उसके बाबा ने मारा तो मुझे भी चोट लगेगी ना, बहुत बुरा लगेगा मुझे। इसीलिए कहती हूँ पापा के पास मत जाया करो, उनसे बात मत किया करो। आपको पता है आपके पापा बेल्ट से भी मारते हैं। बेल्ट से? मम्मा मुझे बेल्ट से मार नहीं खानी। इसीलिए तो समझा रही हूँ मेरी जान, पापा के पास जाना, उनसे बात करना आपके लिए बहुत डेंजरस है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो। पर मम्मा, अगर पापा मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? तो आप भाग के ना मम्मा के पास आ जाओ, मैं इसको बता दूंगी। लेकिन अगर आप पापा के पास गई ना तो वो आपको जंगल में छोड़ आएंगे। जंगल में? मैं मुझे जंगल में नहीं जाना, पापा को बोले ना। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना रेड राइडिंग हुड की, उसमें आपने सुना था ना कैसे रेड राइडिंग हुड को जंगल में वुल्फ खा लेता है। ऐसे ही वुल्फ्स होते हैं जंगल में जो बच्चों को खा जाते हैं। अगर आपके बाबा ने आपको वहां छोड़ दिया और आपको वुल्फ ने खा लिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो अपनी बेटी के लिए रोऊंगी ना। मम्मा मुझे जंगल में नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगेगा मम्मा। और वुल्फ से बचने के लिए आपको मम्मा की बात माननी पड़ेगी। ओके मम्मा। और जो बात मैंने आपसे कही है ये आप किसी को नहीं बताओगी, और सबके सामने मम्मा का नाम भी नहीं लोगी। नाम? नाम क्यों नहीं लूंगी मम्मा? क्योंकि अगर आपने मम्मा का नाम ले लिया और सबको पता चल गया और फिर बाबा आपको जंगल में छोड़ आए तो मम्मा आपको बचाने कैसे आएंगी? मम्मा को तो सब रोक लेंगे ना। ओके मम्मा, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, I promise. गुड गर्ल, शाबाश, बहुत समझदार हो आप। चलो अब लेट जाओ, और अब बाबा के साथ उनके रूम में सोने की जिद मत करना। ओके मम्मा, मैं नहीं करूंगी। गुड गर्ल, चलो लेट जाओ, लेटो। गुड नाइट। अब मैं भी देखती हूँ बाप बेटी में कब तक ये मोहब्बत कायम रहती है। प्लीज आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। बेबी कहाँ रह गई? बेबी को माइग्रेन का अटैक हुआ है, और तुम्हें पता है जब उसे माइग्रेन का अटैक होता है तो कितनी परेशान हो जाती है वो। अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी वो।
हाँ बस अचानक से ही हुआ है माइग्रेन का अटैक, और तुम्हें पता है बस किसी वक्त भी हो जाता है, तो वो परेशान नहीं करना चाहती हम सबको इसीलिए कमरे में। पता नहीं भाई कब जान छूटेगी उसकी इस दर्द से, ये अचानक से शुरू हो जाता है और बेचारी की बुरी हालत होती है दर्द की वजह से। सैड, माइग्रेन अगर सिवियर हो तो बहुत पेनफुल होता है। जी उसके साथ यही होता है, जब भी होता है बहुत पेनफुल होता है उसके लिए। मैं देख कर आता हूँ। अरे अरे सर मियाँ कहाँ जा रहे हो? मतलब वो दवा वगैरह लेकर लाइटें बुझा के लेटी होगी, थोड़ी देर आराम करने दो उसे। इनका सार दवा दे दी ना? जी जी दवा खा ली, उसने खा लिया दवा और अभी आराम कर रही है, उसको थोड़ी देर आराम करने देते हैं, हो सकता है बेहतर हो जाए। और अच्छा थोड़ी लगेगा कि नताशा खाने की टेबल पे बैठी हुई है, खाना लगा हुआ है और तुम उठ के जाओ इस तरह से। अरे नो प्रॉब्लम, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, खाना शुरू करो। अब प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए ना, बहुत बातें होंगी, ये लीजिए आप प्लीज़। थैंक यू। अम्मी ये ले डाल। बेटे जल्दी से उठ जाओ, बाबा नाश्ता पे वेट कर रहे हैं आपका, आ जाओ जल्दी उठो। मैं नीचे नहीं जाऊंगी नाश्ते करने बाबा के पास, मुझे नाश्ता नहीं करना। क्यों नहीं करूंगी? नाश्ता या खाना सबके साथ बैठ के टेबल पे करते हैं। मुझे नीचे नहीं जाना। क्यों? पापा को नहीं बताएंगे कि आपने क्यों नहीं करना नाश्ता? पापा नीचे गुस्से में बैठे हुए हैं, वो मुझे बेल्ट से मारेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो आपका वेट भी कर रहे हैं ना नाश्ते पे। पर वो आपको भी तो गुस्सा किया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बाबा बहुत गंदे हैं, वो मुझे जंगल में छोड़ेंगे, यहाँ पर वुल्फ्स मुझे खा लेंगे। आपसे ये सारी बातें किसने कही हैं? अगर आपने मामा का नाम ले लिया और सबको पता चल गया और फिर बाबा आपको जंगल में छोड़ा है, तो मामा आपको बचाने कैसे आएंगे? मामा को तो सब रोक लेंगे ना। नूर आपसे ये सारी बातें किसने कही हैं? किसी ने नहीं, बस बाबा गंदा है। पप्पू के पास आए तो पप्पू तो अच्छी है ना, और पप्पू से आप प्यार करती हैं? यस। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये सारी बातें किसने बोली हैं? मम्मा ने, बस मम्मा ने कहा कि किसी को नहीं बताना कि मैंने बोला है। नो प्रॉब्लम, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि सारी बातें मम्मा ने कही हैं। चलें अब जल्दी से जाए, जल्दी से फ्रेश हो जाए ना, फूफो को भी बहुत भूख लग रही है। प्लीज नूर फूफो को बहुत भूख लग रही है, जल्दी से फ्रेश होके जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ओ जी हमारी नूरी भी आ गई, आओ बेटा नाश्ता करो। क्या हुआ बिया? तुमने नूर से क्या कहा था? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने नूर से कहा है कि वो भाई के पास ना जाए। क्यों? जैसे